हमारी हड़ताल के शुरू से ही हम देख लिया कि अरविंद केजरीवाल सरकार का और महिला एवं बाल विकास क्या रवैया है। लेकिन हम ये भी अब देख रहे हैं उस पर दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर एकदम चुप बैठे, किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हमने 18 फरवरी को अपनी मांगों का ज्ञापन एलजी को भी सौंपा था। यही नहीं, नवलेंद्र कुमार के खिलाफ हमारी कंप्लेंट हमने एलजी को भी सौंपी। कल जो 27 टर्मिनेशन ऑर्डर, फर्जी 27 टर्मिनेशन ऑर्डर और उन टर्मिनेशन ऑर्डर्स की कॉपी प्लस हमारी कंप्लेंट, ये भी हमने तत्काल एलजी साहब तक पहुंचा दी थी। लेकिन अभी भी एलजी साहब द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। हम ये भी जानते हैं 2016 में इसी नवलेंद्र कुमार सिंह को घूसखोरी के चक्कर में और घूसखोरी के इल्जाम में दखस्त करने का काम तब जो दिल्ली के एलजी थे उन्होंने किया था, नजीब जंग ने। यानी इतना तो तय है कि 2016 से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है कि वो न सिर्फ नवलेंद्र कुमार सिंह को सस्पेंड करे बल्कि भाजपा और केंद्र सरकार के तहत आने वाली अपनी दिल्ली पुलिस को भी बोले कि इसके खिलाफ हम औरतों की इज्जत खराब करने को लेकर, हमें धमकियां देने को लेकर और हमारे सर कलम कर देने को लेकर जो हिंसा भरी बातें और धमकियां दी गई है उसके खिलाफ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर तत्काल हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये स्पष्ट है, वो तत्काल डिपार्टमेंट को यह आदेश दे सकते हैं कि 27 फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर और सैकड़ों की संख्या में जो शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं उनको तत्काल रद्द कर दिया जाए। ये एलजी ऑर्डर दे सकते हैं। पिछले 35 दिन से हजारों महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर न सिर्फ सीएम आवास से 200 मीटर की दूरी पर बल्कि एलजी हाउस से भी 500 मीटर की दूरी पर बैठी हैं। ये भाजपा बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी लंतरानी हंसता है। भाजपा वाले तो यही बोलते हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है अपनी बेटियों को बहनों को भाजपा और आम आदमी पार्टी से ही बचाने का काम करना पड़ेगा।